بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. सहल इब्न सआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं, यह हदीस उनसे मरवी है। कहते हैं कि रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यज़ालुन्नास बिखैर, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे। मा अज्जलुल फितरा, जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी करेंगे, इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब यहाँ दो कलमे पर गौर करना है। एक तो इफ्तार, इफ्तार कब होता है? सूरज जब ग़ुरूब होता। कोई कहे कि जल्दी करना यानी सूरज ग़ुरूब होने से पहले कर डाले, नहीं तो रोज़ा ही नहीं होगा उसका। हाँ, तो जल्दी करने का माना यह है कि इफ्तार में, जब इफ्तार का वक्त हो जाए तो फौरी तौर पर आदमी इफ्तारी करे। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जो एहतियात, हाँ देखो यही एहतियात की दलील चाहिए। इबादात में, इबादात में दलील ज़रूरी है कि कोई भी आप अमल करो एहतियात करो, तो इस एहतियात की दलील, इस एहतियात की दलील चाहिए कि अल्लाह के नबी ने एहतियात किया है या एहतियात नहीं किया। अगर एहतियात किया है तो हम करेंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं करेंगे। और हमें हुक्म दिया जा रहा है कि अज्जुलुल फितरा की इफ्तारी में जल्दी करो, इसका माना यह है कि अब इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दलील नहीं है, बल्कि दलील यही है कि जल्दी इफ्तार करना चाहिए और ये आदमी के लिए खैर और भलाई का बाइत है। यानी हमेशा लोग खैर में रहेंगे, भलाई में। खैर क्या है इंसान के लिए? खैर ये है कि इंसान को अल्लाह तबारक तआला नेकियों की शक्ल में भलाई उसे अता करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जितनी जल्दी इफ्तारी करेगा उतने ही ज़्यादा उस रोज़े के सवाब में इजाफे का बाइस होगा, उसके लिए खैर यही है। और सबसे बड़ी खैर और भलाई वो नेकियां हैं इंसान के लिए। फिर उस दूसरी हदीस उसी से मुतालिक है कि अहब्बु इबादी इलैया अजलहुम फितरा, मेरे नज़दीक, हाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहब इबादी, मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो इफ्तार करने में सबसे पहल करने वाला हो, यानी जल्दी करने वाला हो। माना यह है कि जो आदमी जितनी ज़्यादा जल्दी करने का तहरी करता हो, एहतिमाम करता हो, हाँ कि जैसे ही वक्त हो फौरन फौरन वो इफ्तार कर दे, तो गोया कि अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। तो दो फ़ायदे, एक फ़ायदा क्या है? फ़ायदा, पहला फ़ायदा ये है कि वो खैर और नेकी का हकदार बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ऐसे को पसंद फरमाता, अल्लाह ऐसे बंदे को। तीसरा फ़ायदा आगे की हदीस के अंदर आएगी। जी وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركته بركته متفق عليه। نعم, देखिए इस हदीस से कुछ जुड़ी हुई और हदीसें हैं, जो भी ऊपर जो हदीस इफ्तारी के जल्दी करने के सिलसिले में है। एक रिवायत है इमाम अहमद रहमतुल्लाह की कि ला यज़ालुन नास बिखैर मा अज्जलुल फितरा व अख़्तरुस सुहूर, कि लोग बराबर भलाई में रहेंगे जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करेंगे और सहरी में आखिर करेंगे, यानी ताखिर करेंगे। क्या माना ताखिर करना? हाँ, यानी उस वक्त के ख़त्म होने के बिल्कुल करीब, एकदम आखिर आखिर में। आज बहुत सारे लोग क्या है, रात भर जागते हैं, फिर उसके बाद आधी रात में खा करके और सो जाते हैं। हाँ, फिर कुछ लोग तो फजर भी सोने में पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग तो उस वक्त उठते हैं फिर फजर के लिए, यानी फजर के लिए उठते हैं जो है। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये बेहतर नहीं है। रोज़ा सही होगा अगर उसने
खा लिया है और सो गया है तो नमाज नहीं पढ़ी तो गुनहगार होगा वो। और दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा सही होगा उसका लेकिन बेहतर नहीं होगा और भलाई में नहीं होगा, इसलिए कहा गया वह आखिर सहूर, सहरी को आखिर में। एक और इसमें जो फ़ायदा है वो ये है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि लिअन्न अल-यहूद वन्नसारा युअख्खिरून अल-इफ्तारा इला इश्तिबाकिन नुजूम। इस वजह से कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, उस ज़माने में पहले भी लोग रोज़ा रखते थे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इफ्तार में ताखीर करते हैं और इतने देर तक ताखीर करते हैं कि आसमान पर तारे नज़र आने लगते हैं, यानी तारे झांकने लगते हैं। तो इस इतनी ताखीर करना, आज हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमानों की दूसरी जमात के लोग जो है इतनी ताखीर लोग करते हैं, ख़ासतौर से शिया को आप देखेंगे, वो तकरीबन सूरज ग़ुरूब होने के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उनके यहाँ गालिबन इफ्तार होता है या उनके मगरिब की अजान वगैरह जो होती है 10-15 यानी हमारी जमात जब ख़त्म होती है तब उसके बाद वो लोग जो है अजान वगैरह उनकी शुरू होती है, तो इतनी ताखीर वो लोग करते हैं। तो ये अल्लाह के नबी के इस हदीस की रोशनी में गोया कि एक तरह से वो यहूद की मुशाबहत है, और हम अहले सुन्ना नहीं चाहते हैं कि हम यहूद और नसारा या अख्यार की हम लोग इबादात में मुशाबहत अख्तियार करें। जी हदीस जो भी पढ़ी गई है कि सहरी करो, सहरी में बरकत है, तसहरू फ़इन्न फिस्सुहूरि बरकत, सहरी करो यानी गोया कि तसहरू सहरी करो, सहरी की तरफ अल्लाह के नबी वसल्लम ने ताकीद की है क्योंकि इसमें बरकत है। अब इस बरकत में बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, और सबसे बड़ी बरकत तो यही है कि एक खाना सहरी करने वाला और एक सहरी ना करने वाला, दोनों लोगों के जो रोज़े हैं उन दोनों रोज़ों में फ़र्क होगा। एक आदमी सहरी जो किया हुआ रहेगा वह हशास और बशास उठेगा सुबह, दुनियावी काम, दूसरे घरेलू काम, अपने तमाम उमूर वो सही तरीके से वो अंजाम देगा। जो सहरी नहीं किया होगा तो अब आदमी जो है वो भूखा होगा, और भूखा जब होगा तो वो कमज़ोर होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाएगा। सहरी करने वाला ताकत रहेगी उसके अंदर, फिर वो उठेगा, फिर कुरान भी पढ़ेगा, तिलावत करेगा, दूसरी इबादत और बंदगियाँ करेगा। और जो थका मादा है, मतलब जो सहरी नहीं किया वो इसे ही थका हुआ है, फिर वो ना कुरान पढ़ेगा इसलिए कि थकावट है उसको, नहीं वो बेचारा चाहेगा कि भी सो करके किसी तरीके से रोज़ा निकाल लो जो है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो बरकत है वो बरकत यही है कि इंसान को जिस्मानी ताकत होती है। दूसरा जो फ़ायदा ये है कि अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत है, आपकी ताकीद है, तसहरू, हाँ, और इसे दुआ के माने में भी लिया गया कि अल्लाह के नबी वसल्लम की गोया की एक दुआ है जो सहरी करने वाले को हासिल हुई, तसहरू फ़इन्न फिस्सुहूरि बरकत, यानी ये अल्लाह के वसल्लम ने गोया सहरी करने वाले लोगों के लिए बरकत की दुआ की, उस दुआ के वह हकदार बनता है जो। तो ये इस नबियत के और भी फ़ायदे हो सकते हैं। जी وعن سلمان بن عامر الذبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم। एक चीज़ की वजाहत है, रवाउल खमसा जो बार बार आ रहा है, हाँ, देखिए असल में मैं चाहता था कि उसकी वजाहत भी करूँ लेकिन चूँकि ये उलूम हदीस से मुतालिक चीज़ें हैं, हाँ, उलूम हदीस से मुतालिक चीज़ें हैं, हाँ, जैसे आप जानते हैं कुतुब सित्ता आपने इस्तलाह सुनी होगी, या सिहाए सित्ता छः हदीस की सही किताबें, या कुतुब सित्ता हदीस की छः किताबें। अब हदीस की जो छः किताबें वो कौन हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा। तो कह रहे हैं कि मुत्तफ़क़ुन अलैह जहाँ आ गया तो गोया कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इस हदीस पर मुत्तफ़िक़ हैं, उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा गया। रवाहुल खमसा इसमें से इन सहाय सित्ता या कुतुब सित्ता में से पाँच लोगों ने इसको रिवायत की है, चार लोगों ने रिवायत की है। बहरहाल ये मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर, क्योंकि एक अमूमी एक तज़किरी दर्स है, मालूमती दर्स है, हाँ, वरना उस नौयत के जो तलबा होते हैं हम लोग उनको सारी सनदों के हवाले से फिर इसकी रिवायत का क्या माना है वो भी उनको बताया जाता है। जी तो हदीस जो भी हमारे सामने है वो ये है कि इदा अफ्तरा अहदुकुम फलयुफ्तिर अला तमर,
कि जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो चाहिए कि हुजूर पर इफ्तार करे। हुजूर जानते हैं आप, हुजूर की कई किस्में हैं जो, हाँ, उसमें से कुछ बिल्कुल एकदम ढेसर होते हैं, कुछ आधे पके होते हैं, और आपने देखा होगा बल्कि कहा जाता है कि हुजूर की तकरीबन 500 किस्में हैं, हुजूर की 500 किस्में बताई जाती हैं जो। तो अब अगर खजूर के बारे में अगर आप देखा जाए तो खजूर तो हर किस्म के खजूर का इतलाक, हर किस्म के खजूर पर खजूर का इतलाक होता है। अलबत्ता यह है कि बाद अहादीस के अंदर अला रोतबातिन का लफ्ज आता है, और रोतब कहा जाता है कि जो बिल्कुल पका पक जाता है और देखना नरम होता है, फ्रीज में ही उसको महफूज किया जा सकता है, वो रोतब खजूर है। और अल्लाह के नबी वसल्लम इफ्तारी उमूमन रोतब खजूर ही से किया करते हैं, लेकिन अगर किसी को ना मिले तो आदमी जो है आम खजूर कर ले, उससे भी इफ्तार किया जा सकता। हदीस आएगी आगे, बइल्लम यजिद फलयुफ्तिर अला मा, अगर रोतब नहीं मिल रहा है, खजूर अगर नहीं है दस्तियाब है आदमी के पास, तो कहें फलयुफ्तिर अला मा, तो पानी पर इफ्तारी कर ले। और कहें फइन्नहु तहूर, इसलिए कि ये पाक चीज होती है, इन्नहू तहूर, ये पाकी की चीज़ है, पानी जो है ये पाक है, यानी बेहतर चीज़ है कि इंसान खजूर से इफ्तार करे। और अगर वो मैसर ना हो तो बाद रवायतों के अंदर है हसा हसवत मिन माँ, हाँ हसा हसा के माने होते चुल्लू से पानी लेना, उस जमाने में गिलास और कप ये सब चीज़ों का वो नहीं था, तो आदमी कभी पिया तो मटके से पी लिया, कभी मशकीजे से पिया, और उमूमन जो है वो चुल्लू से पिया जाता, तो कहा हसा हस व तमिन माँ, पानी से उन्होंने चुल्लू से पी लिया। बहरहाल अगर खजूर में असर है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो बेहतर है कि आदमी इसी तरीके से सहरी में भी, हाँ एक रिवायत के अंदर आला के उस पर कलाम किया कि नेम सहूर अतमूर, बेहतर सहरी खजूर है, बेहतर सहरी खजूर है। और ये तजर्बा है मेरा, अपना ज़ाती तजर्बा है कि मक्का की ज़िंदगी में खाना बहुत कम, मैं जानता हूँ कि बहुत कम खाए, जो इफ्तारी हरम में कर लेता था वही इफ्तारी उसके बाद फिर खाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। और शहरी में भी अगर खजूर और रुतब और दूसरी चीज़ें और गहवा वगैरह वहाँ मिल जाता था वो पी लेते, दिन भर कुछ खाए नहीं तो उसे कोई परवाह नहीं होती। खजूर के अंदर इतनी जो है इतनी ताकत होती है कि इंसान के बदन को जो ज़रूरत होती है वो तमाम ज़रूरतें जो है उससे पूरी हो जाती हैं, भले ही आदमी का पेट पूरा भरा ना हो, लेकिन यह है कि इंसान तवानाई महसूस करता है, जो उसके अंदर ताकत रहती है। जो तो कह रहे हैं कि यकीनन इसमें जो है हिकमत है, अल्लाह के वसल्लम ने काना रसूलुल्लाह सल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्ली फइन लम यकुन फअला तमरातिन फइन लम यकुन हसा हसवातिन मिम्मा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिर्मिज़ी की रिवायत है और इमाम नसाई ने भी इसे ज़िक्र किया है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रतब पर इफ्तार किया करते थे नमाज से पहले, और अगर तमर खजूर नहीं मिलता तो आप पानी के घूंट आप ले लिया करते थे, इससे आप इफ्तारी करते थे। وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزدتكم कल मुनक्किल लहुम हीन अबौ अन यंतहू, मुत्तफ़क़ुन अलैह। जी हाँ, आज के दर्स की ये आखिरी हदीस होगी, और उसके बाद जो हदीस आएगी वो रोज़े के ताल्लुक़ से, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आदमी को बचना चाहिए ताकि अपने रोज़े को ख़राब ना कर ले। जो हदीस अभी पढ़ी गई है, रोज़े की एक किस्म है जिसको सौमे विसाल कहा जाता है, यानी मिलाकर रखा जाने वाला रोज़ा, जिसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूली जो है आदमी उसको जोड़े रखे। अब जैसे एक जोड़े को, एक रोज़े को दूसरे रोज़े से कैसे मिलाएगा, कैसे जोड़ेगा,
रोज़ा का किससे इफ्तार होता है? कुछ खाने से, कुछ पीने से। तो गोया कि ना खाए और ना पिए, दोनों जोड़ रोज़ों को मिला दे, जोड़ दे आदमी, इसी को कहा जाता है सौमे विसाल। और इस रोज़े से अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई भी आदमी सौमे विसाल ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाबा, हाँ, अल्लाह के नबी वसल्लम पर एतराज़ कर बैठते थे कि अल्लाह के नबी ने जब मना किया कि तुम लोग जो है रोज़े ना जोड़ो, सौमे विसाल ना रखा करो, तो लोगों ने एतराज़ किया और कहा कि अल्लाह के नबी वसल्लम, आप तो रोज़ा रखते हैं सौमे विसाल और आप हमें मना करते हैं। उसी सिलसिले की हदीस है कि नहा अनिल विसाल, फ़क़ाल रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से एक आदमी ने कहा, फ़इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के नबी वसल्लम, आप रोज़े मुतवासिल करते हैं, यानी आप जोड़ते हैं। फ़क़ाल वअय्युकुम मिथली, और कौन है तुम में मेरे जैसा? क्या माना मेरे जैसा? मेरे जैसा यहाँ उस मिसाल रोज़े से मिसाल दी गई है, यानी ताकत में, दैट्स बात है, रोज़ा भूख और प्यास की शिद्दत इंसान का बर्दाश्त करना, ये कमज़ोरी की अलामत है, जो इंसान कमज़ोर होता है इनके ज़रिए से। अब अगर कोई आदमी कंटिन्यू दो चार दिन, पाँच दिन रखेगा, तो जाहिर सी बात है इंसान कमज़ोर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कौन है तुम में से जो मेरे मिसल, इन्नी अभी तो मैं रात गुजारता, इतमिनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है और मेरा रब मुझे पिलाता है। फलम्मा अब वयंतहु अनिल विसाल, अल्लाह के नबी ने देखा कि इन लोगों ने विसाल से अपने आप को इनकार किया है, कि मतलब वो विसाल नहीं रखें, मतलब नहीं करेंगे, हाँ, और वो उन लोगों ने नहीं माना और विसाल किया, इनकार कर दिया, नहीं हुआ कि ये इनकार ऐसा नहीं था, यानी अमल से उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि अल्लाह के नबी वसल्लम रखते हैं और हम लोगों को मना करते हैं, तो ये हम लोगों की हमदर्दी की वजह से मना करते हैं, ऐसा साहबा ने समझा। तो कुछ लोगों ने बाकी रखा उसको, नहीं हम कह रहे कि वासला बिहिम यौमन सुम्मा यौमन सुम्मा राउल हिलाल, कह रहे हैं कि अल्लाह के वसल्लम ने फिर उसके बाद जो है कहा कि भाई अगर कोई आदमी रखना ही चाहता है तो एक दिन रोज़ा रखे, एक दिन इफ्तार करे, एक दिन रोज़ा रखे, एक दिन इफ्तार करेगा, हाँ, कंटिन्यू जो है वो रोज़े को आदमी ना रखे। जो सुम्मा रउल हिलाल, फिर उन्होंने चांद का फ़काल, लौ तअख्खर अल हिलाल ज़िद्दकुम, कहा कि अगर तुम हिलाल को अगर देखते, यानी चांद को देखते, ज़िद्दकुम, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा करने के लिए कहता। क्या माना? माना यह है कि रोज़े में एक दिन आप इफ्तार करो और एक दिन आप रोज़ा रखो, जो है, और चांद अगर ना नज़र आ जाता तो मैं और तुम लोगों को कहता कि तुम, हाँ, इस तरीके से जो है रोज़े को जोड़ो। और रोज़े को जोड़ने का तरीक़ा जो शरई है वो ये है कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा ना रखो, जो है। तो इस तरीके से ये सौमे विसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और अपनी मिसाल दी कि तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, मेरा रब है जो मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। अब यहाँ भी आदमी ये समझ सकता है कि अल्लाह कैसे खिलाता है और कैसे पिलाता है। माना यह है कि अल्लाह आप में वो ताकत पैदा कर देता है जो आम आदमी को ताकत नहीं होती है। अब उसमें कोई आदमी अकल ना दौड़ाने लगे कि भाई वो अल्लाह ताला के सोए हुए होते होंगे, खिला देता होगा, पिला देता होगा, नहीं, यानी अल्लाह उनके अंदर वो कुव्वत और ताकत आपको अता करता है कि आप कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। शेख, यहाँ खाने पीने से जो मुराद है, मतलब अल्लाह ताला उनको ताकत अता फरमाता है। जी हाँ, यानी वो कुव्वत जो एक रोज़े को हो सकती है उस तरीके से अल्लाह तबारक ताला उन्हें अता करता है। आज जो हदीस हमने पढ़ी है, अगर पीछे जो दरस में अगर कुछ चीज़ें, कुछ सवाल हैं तो उन्हें पूछे जा सकते हैं। मतलब इस चीज़ को अल्लाह के नबी ने इतना ज़्यादा उनको ज़ोर दिया, हाँ, कि नहीं, तुम लोग सौमे विसाल नहीं रखोगे, फिर वो लोग बाज आ गए और अल्लाह के, मतलब इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी उनकी, वो ये चाहते थे कि नहीं, हम रखें, हमारे पास ताकत है। और सहाबा का जज्बा था, हौसला था उनका,
अल्लाह की इबादत और बंदगियों के लिए। हाँ, फिर भी अल्लाह के नबी ने उनसे मौका दिया। जी, ये सौम्य मिसाल का जो मतलब है वो एक बार फिर वाज़ेह करेंगे। सौम्य मिसाल जिसे आज हमने रोज़ा रखा दिन का और हमने रोज़ा पूरा किया, मगरिब का वक्त आया, हो सकता है आदमी उस दिन इफ्तार ना करे, फिर वो कंटिन्यू सहरी भी ना करे, फिर दूसरा रोज़ा आ गया और दूसरा रोज़ा वो मुकम्मल करेगा, यानी दरमियान में सहरी या इफ्तारी ये ना करे जो, या फिर इफ्तारी करे और सहरी ना करे, दोनों कैफियतें हो सकती, या तो दोनों ना करे यानी सहरी और इफ्तारी दोनों ना करे, और या फिर इंसान जो है सहरी ना करे, इफ्तारी करे लेकिन सहरी ना करे। ये हर वो चीज़ जिससे इंसान के अंदर ताकत की कमी पैदा हो जाती है वो सूरत अख्तियार करे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आज हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं कि अपने आप को जितना ज़्यादा थपाओ उतने ही ज़्यादा जो है सवाब मिलेगा। हाँ, जैसे कुछ लोग कहें कि आज हरम में देखा गया, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, लोग धूप में जा कर के, साया है लेकिन धूप में जा कर के दुआ करेंगे। हाँ, ख़ासतौर से मैदान अरफा में जाएंगे, भाई वहाँ झाड़े लगे हैं, नीम के दरख्त लगा दिए गए हैं, टेंट लगे हुए हैं, अब अल्लाह से दुआ करो। लेकिन नहीं, कहाँ चले जाएंगे, हाँ पहाड़ पे चले जाएंगे, कहेंगे कि जा कर के वहाँ दुआ करेंगे, धूप में निकल करके जा कर के वहाँ दुआ करेंगे, नहीं जाएज इस्लाम के लिए। इस्लाम में तानुत नहीं है कि इंसान अपने आप को जो सहूलियात अल्लाह ने, भी देखें हिंदुस्तान से एक आदमी क्या नाम था बच्चे का जो गया था हज करने के लिए, शहाब, हाँ जी, हाँ शहाब जो है, अब सोचिए अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो है ऊँट से आपने हज किया था, अब इतना बेचारा मुत्तकी हो गया ये कि ये हिंदुस्तान से और पैदल जा रहा है जो हज करने के लिए। हाँ, अल्लाह ताला ने दीन के युरीदुल्लाह बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह का मामला आपको मुश्किल और परेशानी में डालना नहीं, अल्लाह आसानी सफ़र में अल्लाह ने माफ़ कर दिया कि भाई आप रोज़े न रखो, हाँ मर्ज़ में अल्लाह ने माफ़ कर दिया, लेकिन कोई ज़बरदस्ती अपने आप को कह के नहीं हम रहेंगे तो ये इसका माना ये हो कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हो जाए। हाँ, और इस ताल्लुक से हदीस, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना, जब आया पूछे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनके रोज़े के बारे में, उनके मामूलात ज़िंदगी के बारे में, हज़रत आयशा ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लम ये करते हैं, तो कह रहे हैं भाई वो तो नबी हैं, हाँ हम तो इंसान हैं, हमें और ज़्यादा नेकी करनी, तो कहा कि भाई हम तो शादी नहीं करेंगे, हाँ हम तो रोज़े ही रोज़े रखेंगे इबादत। अल्लाह के वसलम आया भाग मन रग इबान सुन्नती फलीसा मिलनी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, मैं शादी भी करता हूँ, हाँ मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, मेरी सुन्नत से जो एराज़ करेगा वो हम में से नहीं है। तो नबी की सुन्नत से हट करके कोई मुत्तकी ना बने, दीन पर अमल करके मुत्तकी बने, दीन के वसूलों की रोशनी में ज़िंदगी गुजार करके तकवा परहेज़गारी अख्तियार करे। अल्लाह तबारक तआला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته